यो व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टू अ ब्रांड वीडियो। तो यार आपको आपका लॉबी कैसा दिख रहा है? लाइक दिस लॉबी इज वन ऑफ द कूलेस्ट दैट आई हैव सीन एंड दिस इज ऑल ड्यू टू हैलोवीन बीइंग हियर। तो हैलोवीन अपडेट चल रहा है और उसके साथ कुछ स्पूकी इवेंट्स आ चुके हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे एंड वी गोना टॉक अबाउट हाउ गुड इज दिस इवेंट, व्हाट शुड यू डू, हाउ टू गेट ऑल द रिवॉर्ड्स एंड मैक्सिमाइज योर विनिंग्स। ठीक है, सभी चीज़ें कैसे एक्वायर करनी है जल्दी से जल्दी, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलते शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो में फॉर दिस फेस्टिवल स्टैम्प टूर या पम्पकिन फेस्टिवल। ठीक है, सबसे पहले रिवॉर्ड्स की बात करेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स। आपको एसेंस स्टोन मिलेंगे, यू विल गेट दीज कैंडीज, इनका क्या करना है वो मैं बताऊंगा, यू विल गेट दिस वेपन फॉर संग जिन वू, एक विंड एलिमेंट वेपन। तो ये बहुत ही क्रेजी है, इस पर भी एक रिव्यू वीडियो आएगी पूरी, मैं बताऊंगा ये वेपन कैसा है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। उसके अलावा यहाँ पर हमें मिलेंगे ब्लेसिंग स्टोन्स, रूनस, देन वील ऑल्सो गेट हंटर वेपन्स। ठीक है, वी आर गोना गेट आर्टिफैक्ट्स। अब इस आर्टिफैक्ट के लिए भी कुछ एक खास चीज है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा इवन रैंक 4 जेम चेस्ट, यू आर गोना गेट रैंक 4 जेम चेस्ट, जिसमें रैंक 4 जेम निकलने के चांसेस है। यू आर गोना गेट समन टिकेट्स, मिन ब्यंगू का कॉस्ट्यूम फॉर फ्री विच इज ग्रेट, साथ में कीज है, इन कीज का आपको क्या करना है और फिर और भी बहुत सारे इवेंट्स, उनसे भी हम बात करेंगे। माना पार एक्सट्रैक्ट, हंटर एक्सक्लूसिव वेपन डिजाइन, इवन वर्कशॉप ऑफ ब्रिलियंट लाइट एंट्री, फ्रेम, फोटो एंड अ लॉट ऑफ मोर स्टफ। ठीक है, तो चलिए चलते बात करते हैं उनके बारे में। फिर चेक इन इवेंट से भी आपको एक ये वेपन मिलेगा और साथ में समन टिकट्स एंड इवेंट जेम्स। तो चलिए चलते शुरू करते हैं, बात करते हैं एवरीथिंग रिगार्डिंग द इवेंट, ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करो। यहाँ पर यो सो ह्यून एंड इजला का जो कॉस्ट्यूम दिख रहा है वो आपको नहीं मिलेगा इवेंट के थ्रू, अनफॉर्चुनेटली। लेट्स गेट दैट राइट ऑफ द गेट। ठीक है, इसको पहले ही हटा देते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आएंगे वी आर गोना गो इनटू स्पेशल और फिर हम जाएंगे यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स पे, तब क्या पे दिखाई देगा इजला एंड यो सो ह्यून का कॉस्ट्यूम्स आर पेड फॉर 2199 रुपीज ईच। ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव कॉस्ट्यूम्स, अगर आपको लेना आप ले सकते हो, इट्स ऑलवेज देयर। आगे आगे बात करें तो सबसे पहले मिशंस के बारे में बात करते हैं। इन मिशंस को क्लियर करने से आपको मिलेगा मिनबिंगो का कॉस्ट्यूम। ओके, यू हैव टू क्लियर 40 ऑफ दीज मिशंस ताकि आपको मिनबिंगो का कॉस्ट्यूम मिले। तो एट द अर्लीएस्ट आपको 10th डे पे ये कॉस्ट्यूम मिलेगा, विच इज गोइंग टू बी प्रोबेबली 9th of November। ठीक है, तो 9th of November को जब आप ये सारे मिशंस कंप्लीट करोगे आपको मिनबिंगो का कॉस्ट्यूम मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा डेली आप जब ये मिशंस क्लियर करते हो यू आर गोना गेट सम स्टैंडर्ड रिवॉर्ड्स, बेसिकली मोस्टली सेम है रिवॉर्ड्स, कभी कभी बीच में ये मेल्डिंग क्यूब्स आ जाएंगे। देन यू आर गोना गेट रैंक गियर 3 वेपन एनहांसमेंट विच इज ग्रेट, ये दो कीज मिलेंगे। अब इन कीज का क्या काम है वो मैं बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीज है और इनको जितना जल्दी हो सके आप कंप्लीट करो, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लाइंग इजला करके एक मिनी गेम देखने को मिलता है। ये कुछ नहीं है, आपको बस ये गेम को खेलना है, आप मल्टीपल टाइम्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बेसिकली एज इजला आपको इसको टैप टैप करके उड़ते जाना है। ठीक है, आप उड़ते जाओगे एंड आपको ये हर्डल्स को पार करना है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन लिटिल गेम। ठीक है, इसको अगर आप खेलते हो तो काफ़ी मजा आएगा आपको। फिर ये बीच में पावर अप्स आएंगे, इनको आपको कलेक्ट करना है एंड दैट्स गोना मेक थिंग्स रियली ग्रेट। और साथ में कुछ डीबफ्स भी है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक डीबफ ले लिया तो उसके चलते इजला के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कि वो स्ट्रगल कर रही थी, राइट? और फिर जब टकरा जाएंगे तो आप बाहर हो जाओगे। तो आपको 100 पॉइंट्स कलेक्ट करने एंड आपका रिकॉर्ड के बेसिस पे आपको एक रैंक मिलेगा। ठीक है, रैंक से कुछ ऐसा कुछ खास बात नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो मैं डी रैंक में हूँ, आई वॉन्ट टू गेट टू एस रैंक, बट रैंक आपको सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए, रिवॉर्ड्स मेनली यहाँ पर है, ये रिवॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो पम्पकिन कैरेज इवेंट है, इसमें बेसिकली आपको यो सो ह्यून के साथ फाइट करना है, मतलब यो सो ह्यून आप रहोगे, आपको एनिमीज को फाइट करना है और इस कैरेज को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और एनिमीज आके अटैक करेंगे कैरेज को, आपको उनको पहले मार देना है। ठीक है, सिंपल सा इवेंट है, इस पर भी रिवॉर्ड है 100 एसेंस स्टोन पर डे, यू आर गोना गेट 1 की एंड 5 ऑफ दीज कैंडीज। ठीक है, दोनों इवेंट से सिमिलर रिवॉर्ड्स है। ओके, एक की, 5 कैंडी और 100 एसेंस स्टोन, तो 200 एसेंस स्टोन पर डे फॉर अ टोटल ऑफ 21 डेज, दैट इज 4200 एसेंस स्टोन्स फॉर फ्री। और साथ में 42 कीज भी आपको यहाँ से मिलेगा, वो कीज का क्या करना है बताएंगे। आगे हम आते हैं फिर वर्ल्ड ड्रॉप में, गेट्स, इंस्टेंस और एनखोर जब आप क्लियर करते हो आपको कैंडी ड्रॉप होने के चांसेस है, देयर इज अ रैंडम चांस कि आपको कैंडी मिलेगा। तो यहाँ पर मैं गोल्ड गेट खोजूंगा एंड देन आई विल जस्ट स्वीप इट एंड विल सी कि मुझे कैंडी मिलता है कि नहीं। ओके, आई स्वीप इट हियर एंड यू कैन सी मुझे वर्ल्ड ड्रॉप में एक कैंडी मिल गया। ठीक है, ये कैंडी हम एक्यूमुलेट करेंगे एंड इनको कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ। एनकोर और इंस्टेंस से भी ये ड्रॉप होंगे। आगे देखेंगे चेक इन इवेंट पे, तो यहाँ पे चेक इन इवेंट पे आई थिंक आप अभी डे 9 पे होने चाहिए, अगर आप डेली कर रहे हो तो हमें 10 समन टिकट्स मिल चुके हैं, एक एपिक ब्लेसिंग स्टोन मिल चुका है, अभी कल हमें 10 समन टिकट्स मिलेंगे एंड देन 14th डे पे ये वेपन मिलेगा पम्पकिन वाला। ठीक है, दिस ग्रेट। आगे आएंगे तो अब बात करते हैं फेस्टिवल एक्सचेंज शॉप के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप अपने कैंडीज को यूज़ करोगे
ये जो आपको फेस्टिवल सेलिब्रेशन कैंडी मिल रहा है। अब आप रिवॉर्ड्स देखोगे तो रिवॉर्ड्स इज प्रिटी जेनरस, ठीक है, नॉट गोना लाइ, इट्स अ रियली रियली गुड जेनरस इवेंट, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहला प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए इधर लेने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपका फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू गेट द बॉस चैलेंज की, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा आगे। नेक्स्ट अप आपका होना चाहिए हंटर एक्सक्लूसिव वेपन डिजाइन, माना पावर एक्सट्रैक्ट, वर्कशॉप ऑफ ब्रिलियंट लाइट इन्विटेशन, एंड देन आप इन वेपन्स के लिए जाना, एंड उसके बाद आप आर्टिफैक्ट चेस्ट के लिए जाना। अभी आर्टिफैक्ट चेस्ट अगर आप न्यू प्लेयर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बेसिकली कर्स आर्टिफैक्ट है विथ अ मेलोड डाउन कर्स आर्टिफैक्ट इनको बोल सकते हैं। तो इन आर्टिफैक्ट पर भी नजर डालेंगे एंड देन आप बाकी के रिवॉर्ड्स ले सकते हो इफ़ यू विश सो, ठीक है। तो प्रिटी जेनरस, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं की ले लेता हूँ। अब हम आते बात करते हैं इस की का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो की आपको बेसिकली बॉस को चैलेंज करने के लिए चाहिए। यहाँ पर ये जो बॉस है इसको आप चैलेंज करो, तो जैसे सिमिलर टू आवर सीक्रेट लाइब्रेरी, ठीक है, सीक्रेट लाइब्रेरी की तरह ही आपको ये शॉप, ये यहाँ पर आप पॉइंट्स एक्युमुलेट करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इतना क्लियर कर लिया इसको कि मेरे 4,624 पॉइंट्स हो गए, मुझे सिर्फ थोड़े से और पॉइंट्स चाहिए, मैं 5,000 पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा एंड आई गेट दिस पंपकिन एंड आई बी डन विद दिस इवेंट, ठीक है। बट देर इज अ रेकरिंग अवार्ड, ठीक है, उस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे रिवॉर्ड्स है, यू गोना गेट 10 समन टिकट्स ऑफ कस्टम ड्रॉ एंड 10 वेपन ड्रॉ टिकट्स विच इज ग्रेट। साथ में वेपन भी मिलेंगे आपको, कैंडी बार आई थिंक वी गॉट 2, ओके, एंड देन वी ऑल्सो गॉट आर्टिफैक्ट चेस्ट, रैंक 4 जेम गिरने वाला जेम चेस्ट 10, ओके, एंड नाउ विल गेट द स्पूकी पंपकिन। अब उसके बाद अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स तक 2500 पॉइंट हर बार कलेक्ट करोगे यू विल गेट मोर ऑफ दीज कैंडीज, बट मेरे को नहीं लगता ये वर्थ इट है आफ्टर क्लियरिंग दिस, ठीक है। आफ्टर क्लियरिंग द 5000 पॉइंट्स आई डोंट थिंक इट्स वर्थ गोइंग फॉर मोर, ओके। अब यहाँ पर इन स्टेजेस में आपको बेसिकली टीयर 5 तक आना है, ओके, एंड नाउ आपको इंश्योर करना है कि आपके टीम में इजला, मिनब्युंगू एंड योसो ह्यून है, बिकॉज अगर आप इनको यूज करते हो इस फाइट में आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। कितने पॉइंट्स एडिशनल मिलेंगे, 43। यहाँ पर हम देख सकते हैं इजला के लिए 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं, योसो ह्यून के लिए 10 एंड मिनब्युंगू के लिए 8, ठीक है। तो 43 एडिशनल पॉइंट पर की आपको मिल रहा है और 80 पॉइंट्स पर रन, तो आपको 123 पॉइंट्स मिल रहे हैं इस इवेंट से, ओके। तो लिटरली मुझे 4 और कीज चाहिए, उससे मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा, ऑलराइट। तो बहुत ही सिंपल चीज है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये तो हो गया कीज के बारे में। अब हम आते हैं नए आर्टिफैक्ट के बारे में बात करते हैं कि वो नया आर्टिफैक्ट कैसा है, ओके। तो जो नया आर्टिफैक्ट है इसको हम खोजेंगे, तो आई थिंक आई प्रोबेबली हैव इट हियर, ओके, इन आर्टिफैक्ट लेवल 65, तो मतलब बॉटम में ही होने चाहिए मेरे। 65 लेवल इज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट आर्टिफैक्ट इन द होल गेम, ओके, लिटरली सबसे लोएस्ट होगा। आई थिंक मुझे लेवल के बेसिस पे फिल्टर करना चाहिए एंड लोएस्ट पे चले जाना चाहिए, या तो यहाँ पे हमें 65 लेवल वाले आर्टिफैक्ट्स दिखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो हेलमेट में HP इज द फिक्स्ड स्टैट, अब ये फिक्स्ड है, ओके, ये रैंडम आ रहा है कि ये फिक्स्ड है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई थिंक ये रैंडम है इस बार, ओके, दिस टाइम इट इज रैंडम, इस बार फिक्स नहीं है कि कौन सा स्टैट आपका ड्रॉप होगा, विच इज ग्रेट, ओके। मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ, ठीक है, एक डेमो देना चाहता हूँ इस आर्टिफैक्ट के बारे में, जस्ट सो यू नो, ओके। लेट से मैं जाता हूँ एज कैंग टेशी, ठीक है, कैंग टेशी के आर्टिफैक्ट्स पर हम जाएंगे, उस पर हम ये नए वाले 4 पीस लगा लेंगे, ठीक है, नए वाले 4 पीस लगाएंगे। 8 पीस तो सबको पता है, 8 पीस कर्स इफेक्ट यहाँ पे कॉपी हो रहा है, ठीक है। अगर हम 4 पीस यहाँ पर ये लगा लेते हैं, ओके, एंड देन अब अगर हम 4 पीस कर्स लगा लेते हैं तो क्या लगता है गाइस, दोनों के हमें इफेक्ट मिलेंगे कि किसी एक का मिलेगा? दिस वॉज अ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी चल रहा था। दे हैव मैंशन कि ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है, दे विल नॉट ओवरलैप, सो मतलब ओवरलैप नहीं करेंगे का मतलब होता है कि वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, मतलब ये दोनों अलग अलग रहेंगे। तो अगर मैं 2 बार 4 पीस लेके जाता हूँ तो क्या मुझे दोनों के इफेक्ट्स मिलेंगे? नाउ दैट इज माय क्वेश्चन, ओके, दिस इज वेयर थिंग्स गेट ट्रिकी। तो यहाँ पर अब मैं कैंग टिश्यू को लगा लेता हूँ, ओके, एंड आई विल सी कि क्या हमें 2 बार ये चलता हुआ दिखाई देगा, लाइक एक टाइमर होगा नीचे, राइट, जिसके वजह से हमें दिखाई देगा कि वो कर्स इफेक्ट बन रहे हैं। तो क्या हमें 2 बार वो स्टैक होते हुए दिखाई देगा? अगर वो है देन दिस इज अ क्रेजी क्रेजी स्ट्रैटेजी, ठीक है, लेट्स सी, ओके। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक कर्स का दिखाई दे रहा है, ठीक है, वी कैन सी हियर, हमें एक ही कर्स का टिक, ओके, 2 आ गए, व्हाट, नहीं, एक ही है ये, या आई थिंक दिस इज ओनली 1, एक ही है भाई, इवन दो हमने 4 लगाया, ओके, कैन सी 2 देयर, नॉट श्योर दोनों मिल रहा है कि नहीं हमें, आई डोंट थिंक हमें 2 मिल रहे हैं, ये इसके स्किल से एक बफ है जो मिल रहा है हमें, तो हमें एक ही मिल रहा है, ओके, 2 आर नॉट वर्किंग एट द सेम टाइम, सो या।
इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी टू यूज बोथ ऑफ देम. ओके, तो हमें बेसिकली एक नॉर्मल कर्स ही बेटर रहेगा. नए प्लेयर्स के लिए एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है टू यूज दीज आर्टिफैक्ट्स, बट फॉर अ एडवांस प्लेयर जो अच्छे से कर पा रहे हैं उनके लिए अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है. ठीक है, इवन अगर हम इंस्टेंस एंड कोर की भी बात करें तो इट हैज बीन डिफिकल्टी हैज बीन सीवियरली रिड्यूस्ड, काफी ज्यादा डिफिकल्टी को रिड्यूस कर दिया गया है. ओके, अगर लेजेंडरी आर्टिफैक्ट के ड्रॉप की बात करें तो इट हैज स्टार्टेड ड्रॉपिंग फ्रॉम टीयर 12 विच इज ग्रेट, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर न्यू प्लेयर्स. आप देख सकते हो 187 के भाई, दिस इज लिटरली नथिंग एंड यू आर गेटिंग a chance at level 78 artifacts. Bro, this is insanely great for people. ठीक है, जो नए players हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है. ठीक है, starting from tier 13 कुछ additional artifacts add हो जाएंगे. सारे artifacts right off the gate नहीं है, तो tier 12 पे आपको curse वाले मिलने के chances बहुत ज़्यादा high है. ठीक है, क्योंकि curse वाला ही legendary drop में है. ठीक है, 13 से बाकी सारे artifacts भी आ जाते हैं, 14 से सब है. ठीक है, so yeah, with that I hope this video helps. If it did, leave a like and subscribe. आपका क्या बेस्ट पार्ट है इस इवेंट का मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, अराइज़.